हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ योर एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी चैप्टर अकाउंटेंसी क्लास 11th का। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ना काफी टीचर्स छोड़ देते हैं, है ना। ये कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग और टैली इन अकाउंटिंग से तीन चैप्टर है जिनको अधिकतर टीचर्स नहीं करवाते। बट स्टूडेंट्स देखो, कोई चीज इंक्लूड हो सिलेबस में या ना हो, हमें हमारा करना उनका हमारी जिम्मेदारी होती है। और दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ईच एंड एवरीथिंग। हम सब कुछ करेंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई चीज आ रही हो ना आ रही हो, है सिलेबस में नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर है अकाउंटेंसी क्लास 11th का, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो आज इसका हमारा पार्ट वन करेंगे हम। पार्ट वन मान लो, डे वन मान लो, आज हम फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर करेंगे इसका, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे जीएसटी क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो ये हमारा पहला, हम देखते हैं कि जीएसटी होता क्या आखिर, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारा जीएसटी होता है, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको स्टूडेंट्स ये तो पता चल गया होगा कि ये एक टाइप का टैक्स होता है। अब टैक्स क्या होता है, मगर मैं आपको ये बताऊं तो टैक्स हमारा एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्यों पे करते हैं, हम पे करते हैं, हम कॉमन पब्लिक या हम आम जनता पे करती है गवर्नमेंट को। क्यों, व्हाई, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए जो अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसे कहते हैं हम टैक्स। मतलब गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की और हमने गवर्नमेंट को अमाउंट पे किया, उसे कहते हैं हम टैक्स। हर कंट्री की गवर्नमेंट का, हर कंट्री की गवर्नमेंट का अपना अलग टैक्स सिस्टम होता है। टैक्स सिस्टम का क्या मतलब है, वो अलग तरीके के अपने टैक्स लगाती है, है ना। किसी की कंट्री के कोई टैक्स सिस्टम होते है, किसी की कंट्री का कोई होता है, बट होता सबका है, होता सबका। ऐसी कोई कंट्री नहीं होती जिसका कोई टैक्स सिस्टम ना हो। अगर मैं अपनी, हमें तो इंडिया से मतलब है, अगर मैं अपने इंडिया के टैक्स सिस्टम की बात करूं तो दो भागों में इंडिया का टैक्स सिस्टम डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज योर इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स में आएगा, अभी आएगा 12th में। लेकिन अगर मैं अपने जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी एक हमारा काइंड का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब रुको, मैं ऐसे अंडरलाइन करती हूं इनडायरेक्ट टैक्स को। देखो, मैं अंडरलाइन करूं तो आपको तो करना ही करना है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लो। जीएसटी एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का काइंड होता है। और जीएसटी कहाँ लगाया जाता है, जीएसटी कह लो या हम अपने से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कह लो, ये कहाँ लगाया जाता है हमारा, ये हमारा लगाया जाता है ऑन ऑल दोज आइटम्स। हर उन आइटम्स पे हमारी जीएसटी होती है विच आर सोल्ड फ्रॉम एनी सोर्स। जीएसटी हमारे हर उन आइटम पे लगाई जाती है जो हमारे मार्केट में बिकते हैं और किसी भी सोर्स से। यानी किसी भी सोर्स का मतलब क्या, हमारे मार्केट में कोई चीज प्रोड्यूसर और सेलर के थ्रू बिकी, वो हमारा जीएसटी कहलाया। उसमें अगर हमारा एक टैक्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो हमारा जीएसटी कहलाया गया। बेसिकली ये जीएसटी का जो हमारा अमाउंट होता है, वो हमारे हर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ इनके एडिशन में प्लस होके लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, जो जीएसटी होता है ये एक ऐसी कॉम्प्रहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रहेंसिव का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव, कंबाइंड। ये एक ऐसी कलेक्टिव टर्म है जो डिनोट करती है, विच डिनोट्स ऑल द
इनडायरेक्ट टैक्सेस टुगेदर। ये सारे दुनिया के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ सेल और परचेज के, उनको इकट्ठा कंसीडर करने में, उनको इकट्ठा देखने में, उनको इकट्ठा नोटिस करने में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना पता चल गया कि जीएसटी की फुल फॉर्म होती है हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक हमारा टैक्स होता है, टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है हर चीज पे। बेसिकली हमारे टैक्स दो काइंड के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हमारा एक काइंड का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कह लो या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कह लो, ये उन आइटम्स पर लगाया जाता है जो सोल्ड, हम जो बिकते हैं या हम खरीदते हैं किसी भी तरीके से। जीएसटी एक हमारा कॉम्प्रहेंसिव यानी कलेक्टिव टर्म है जो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा डिनोट करती है जो सेल्स एंड परचेज में आते हैं। समझ गए इतना? अब देखो बच्चों, हर चीज की कुछ ना कुछ एक्सेम्पशंस होती है। एक्सेम्पशंस मतलब जैसे जीएसटी सब पे लगता है, लेकिन ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसे लिखोगे, इसका नाम है हमारे टॉपिक का एक्सेम्पशंस। एक्सेम्पशन मतलब छूट, कि जीएसटी सब पे लगती है, लेकिन ऐसे और कौन सी आइटम्स होती है जिन पे जीएसटी नहीं लगती है, जिन पे जीएसटी के बिना भी काम हो सकता है। तो पहला आइटम होता है हमारा अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब ह्यूमन के कंज्यूम करने के लिए, मतलब इंसानों के कंज्यूम करने के लिए अगर आपके जो अल्कोहल यूज होती है उसमें आपका जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सेकंड जो चीज होती है जिसमें हमारा नहीं लगता, वो होता है हमारा पेट्रोलियम। अब इनके रीजन तो गवर्नमेंट ही जाने हमें क्या मतलब है, लेकिन बस कहने की बात ये, एक अल्कोहल पे नहीं लगता, एक पेट्रोलियम पे नहीं लगता, और इसके अलावा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगता। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन तीन चीजों पे नहीं लगता, पेट्रोलियम पे, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप इन्हें याद रखना, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जेम्पशन के नाम से, और हर चीज के जितनी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं उससे ज्यादा उनके एग्जेम्पशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनके एग्जेम्पशन कर लेना। एग्जेम्पशन मतलब होती है छूट, की कोई चीज सबके साथ यूज होती है बट किसके साथ यूज नहीं होती, समझ गए। अब जीएसटी की आपको डेफिनेशन मिल गई, अब मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्टिव, क्या इसके उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी को अप्लाई करने के लिए, जीएसटी को लगाने के क्या क्या उद्देश्य है। देखो पहला है डेवलपिंग कॉमन मार्केट, डेवलपिंग कॉमन मार्केट बाय यूजिंग अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब हुआ इस बात का बच्चों? देखो मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी कि जीएसटी एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है जो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को डिनोट करती है। सारे मतलब सारे, एवरीथिंग, हर इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करती है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा जीएसटी के? ऑब्जेक्टिव जीएसटी का ये हो जाएगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग शो करना। सेंस ऑफ बिलोंगिंग का क्या मतलब है? अगर एकता का परिचय लेना, एकता मतलब अगर आपकी यूनिटी का परिचय लेना, अगर आपके कहीं कोई और टैक्स हो, जैसे सपोज करो हमारे इंडिया में देख लो, यूके में कोई और हो, यूपी में कोई और हो, पंजाब में कोई और हो, हरियाणा में कोई और हो, तो इट डू नॉट शो अ सेंस ऑफ यूनिटी, इट डू नॉट शो अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो आपका ये शो होता है कि भाई हर पूरी कंट्री में एक ही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स दिखाई जाती है, और इससे ये दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ एकता है, हमारे यहाँ कॉमन नेशनल मार्केट की प्रथा को हम लोग बिलीव करते हैं, वी ट्रस्ट कॉमन नेशनल मार्केट, हम कॉमन नेशनल मार्केट को बिलीव करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? चलो अब इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव देख लें, सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जीएसटी का। इसका जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, या सेकंड हम मान लो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है हमारा ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब होता है? अपने बिजनेस को करने में आसानी। अगर हमारा एक ही हमारा जीएसटी सारी ही कंट्री में थ्रू कॉमन नेशनल मार्केट, दोबारा सुनो, अगर हमारा एक ही जीएसटी थ्रू कॉमन नेशनल मार्केट यूज होता है, तो वो हमारा सारे
सारी कंट्री पे अप्लाई होता है, तो इसमें ना एक टेंशन नहीं होती कि किसे टू चूज विच, कि मतलब किसे चूज करें और कब चूज करें, ये टेंशन नहीं होती। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि अगर आप अपने कोई बिजनेस को रन करो या अगर आप अपने कोई बिजनेस को कर रहे हो, तो अगर आप उसे ढंग से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो या अगर आप उसे ढंग से कर रहे हो या आप उसमें एंट्री लेना चाहते हो या आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें देखो मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कम्युनिटी में। कम्युनिटी का क्या मतलब हो गया? एकाग्रता, एक समान चीजें, हर चीज भाई भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब चारों सेम है तो कॉन्फ्लिक्ट की तो कोई बात ही नहीं उठती। आराम से जाओ, कॉमन टैक्सेस है, सिर्फ हमारे इन एग्जेम्पशंस को छोड़ के अल्कोहल कंजप्शन फॉर ह्यूमन पेट्रोलियम और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, बाकी सब पे सेम अमाउंट लगना होता है, तो फिर किस बात की टेंशन है? आपकी ईज होती है बिजनेस में, आसानी होती है बिजनेस में, आप अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो। व्हाट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? फिर थर्ड इसका होता है बेटर एफिशिएंसी, बेटर एफिशिएंसी फॉर इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजर। अब देखो हर के कोई ना कोई तो मैनेजर होते हैं ना, तो ये एक एफिशिएंसी डेवलप करता है इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजर के लिए। और वो ये कैसे करते हैं, या मैं कहूँ वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करते हैं जीएसटी को, ये बेटर होता है, इफेक्टिव होते हैं। जीएसटी जो मतलब जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट का मतलब हर जगह फैले होते हैं और हर जगह होते हैं। द यूसेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजर्स, ये यूसेज ऑफ इनडायरेक्ट गवर्नमेंट, ये यूसेज ऑफ जीएसटी पर्सन्स आर वेरी मोर एंड अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह अवेलेबल होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो क्यों, जो टैक्स मैनेजर होता है ना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस चीज को कंसिडर करना कि किस चीज पे कितना अमाउंट का जीएसटी लगाना चाहिए, मतलब किस चीज पे कितना अमाउंट का जीएसटी लगाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक च्वाइस पता चल जाती है सब लोगों की, या पूरी कंट्री से कितने अमाउंट की गुड्स आ रही है, पूरी कंट्री से किस चीज की डिमांड ज्यादा है, भाई जिसकी डिमांड ज्यादा उस अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाए। तो ये एक एफिशिएंसी क्रिएट करता है टैक्स मैनेजर पे, ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद हम एक और कर लेते हैं इसका, ऑफकोर्स देखो कोई भी चीज अगर रन की जाती है तो वो मेक्स इकोनॉमी मोर स्ट्रॉन्गर। भाई देखो है तो टैक्स ही ना, जब कुछ भी कहो है तो टैक्स ही ना, तो टैक्स जाएगा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, और जितनी गवर्नमेंट के पास मोर एंड मोर टैक्स रिवेन्यू आएगा उतना गवर्नमेंट की क्या होगी, उतनी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, और जितनी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग तो हमारी कंट्री स्ट्रांग। समझ गए स्टूडेंट्स? तो कहने का मतलब ये है, आज की वीडियो में आपने देखा कि जीएसटी क्या होता है, डे वन है इसका, मैं अपने 3-4 दिन में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में आपने देखा जीएसटी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होते हैं, इसको कैसे लिफ्ट किया जाता है, इसके एग्जेम्पशंस क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डेवलपिंग कॉमन मार्केट बाय यूजिंग अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, बेटर एफिशिएंसी ऑफ इनडायरेक्ट मैनेजर, और मेक्स इकोनॉमी मोर स्ट्रॉन्गर। तो आई होपफुली सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो देखने के बाद आपको जीएसटी का मीनिंग विद ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो या आपको कोई ऐसे टर्म हो जो इसमें समझ नहीं आई, वैसे मैं इसके आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूं और मैं 3-4 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी विद इसके न्यूमेरिकल। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता दूं कि इनसे रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और बच्चों कुछ भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वो आए या ना आए, आपके एग्जाम्स में छोड़नी नहीं चाहिए, करना सब कुछ चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको अपने एग्जाम को अपना टारगेट नहीं मानना चाहिए, आपको अपने लाइफ के नॉलेज को अपना टारगेट मानना चाहिए। तो आज जो हमने किया डे वन में, आप उसे अपना रिवाइज जरूर करिएगा, लिखिएगा अपनी कॉपी में, नोट्स बनाइएगा। कल के वीडियो में हम इसी का एक्सटेंशन पार्ट करेंगे, डे टू वीडियो ऑफ जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। टिल देन आप इन्हें लिखिएगा, लर्न करिएगा, समझिएगा, और प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, और बेल आइकन भी दबा दोगे जिससे आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही साथ और बच्चों की भी हेल्प करने के लिए इन वीडियोस को अपने अपने जैसे और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ना कि सिर्फ आपका बल्कि सबका भला हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।